अज हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो प्रस्ताव खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों के सामने रखा है उससे असी गलबात करने लिए तैयार हाँ। जेकर किसान गलबात जारी रखना चाहते हैं तो वह फोन कॉल से उपलब्ध हैं। जो किसानों के सामने प्रस्ताव रखा गया है वह हूँ भी एक बेहतर प्रस्ताव है। जो साढ़े खेती मंत्री ने प्रस्ताव दिता सी उससे एक सरकार हूँ भी गलबात करने लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों ना सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी थे। किसान नेतावान ने कहा कि सरकार वालों जो प्रस्ताव तुहाडे सामने पेश किया है जो तुम मन बना लवोगे या किसी सिटे पर पहुँच जाओगे तो खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। तुम दसना चाहवागा कि एक उही कानून उही प्रस्ताव की गल कर रहे हैं जो कानून होल्ड करन बारे से। तुम दसना चाहवागा इस विच क्या गया सी कि सरकार द्वारा क्या गया सी कि जो कानून ने वो डेढ़ साल तक होल्ड किए जाएंगे। गगनदीप सिंह आवाज़ें कौन बोल अज हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो प्रस्ताव खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों के सामने रखा है उससे असी गलबात करने लिए तैयार हाँ। जेकर किसान गलबात जारी रखना चाहते हैं तो वह फोन कॉल से उपलब्ध हैं। जो किसानों के सामने प्रस्ताव रखा गया है वह हूँ भी एक बेहतर प्रस्ताव है। जो साढ़े खेती मंत्री ने प्रस्ताव दिता सी उससे एक सरकार हूँ भी गलबात करने लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों ना सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी थे। किसान नेतावान ने कहा कि सरकार वालों जो प्रस्ताव तुहाडे सामने पेश किया है जो तुम मन बना लवोगे या किसी सिटे पर पहुँच जाओगे तो खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। तुम दसना चाहवागा कि एक उही कानून उही प्रस्ताव की गल कर रहे हैं जो कानून होल्ड करन बारे से। तुम दसना चाहवागा इस विच क्या गया सी कि सरकार द्वारा क्या गया सी कि जो कानून ने वो डेढ़ साल तक होल्ड किए जाएंगे। गगनदीप सिंह आवाज़ें कौन बोल